हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे मटर और फूलगोभी की ग्रेवी वाली सब्जी। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए तो इसे कैसे बनाते देखते। तो देखिए, यहाँ पे फूलगोभी और मटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम फूलगोभी लिया है और यहाँ पे 50 ग्राम मटर लिए। तो ये मटर मैंने फ्रेश मटर लिया, आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से साफ करके इसके अच्छे से छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे। तो देखिए, हमें छोटे टुकड़े में कट करना है इस तरह की साइज में। तो देखिए, फूलगोभी को हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। अब इसे हम एक अच्छे गर्म पानी में इसे डाल के रखेंगे। जब तक हमारा मसाला अनियन जब तक फ्राई होता है, तब तक हम इसे 2 मिनट के लिए एकदम गर्म पानी में इसे डाल के रखेंगे, ताकि अंदर की जो इम्प्योरिटी है ये निकल जाए अच्छे से। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक गर्म पानी लिया। अब फूलगोभी को हम इसमें डाल देंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसमें रखेंगे इसी तरह। अब इसे हम साइड में रख देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑन करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच जीरा, जीरा अच्छे से लाल हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे इसमें। अब इसमें हम प्याज को डाल देंगे। तो प्याज को मैंने बारीक अच्छे से काट लिया है। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज लिया और उसे अच्छे से बारीक काट के लिया है। अब इसमें हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसी हिसाब में मटर को भी डाल दूंगी। तो यहाँ देखिए, फ्रेश मटर है तो इसे पकने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसमें मटर को भी डाल दूंगी। और प्याज और मटर दोनों को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि मटर अच्छे से पक जाए और उसमें अंदर थोड़ा सा नमक का टेस्ट आ जाए। गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम पर रखेंगे और इसे ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए, 3 मिनट हो गए। अब इसमें हम ड्राई मसाले डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक टमाटर के मैंने यहाँ पे प्यूरी बनाई है मिक्सर में, तो इसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो खड़े टमाटर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम मीडियम गैस पे रखेंगे, 1 मिनट के लिए ढक देंगे। अब इसे हम चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मसालों ने तेल छोड़ने शुरू कर दिया है। अब इसमें हम फूलगोभी डालेंगे। तो फूलगोभी को मैंने गर्म पानी से निकाल के 2-3 पानी से अच्छे से साफ कर लिया है। तो देखिए, मैंने अच्छे से इसे धो लिया है ठंडे पानी से। अब इसमें मिक्स कर देंगे और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। पहले भी हमने थोड़ा नमक डाला था, अभी हम थोड़ा ही डालेंगे इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। तो देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे पकने के लिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक छोटा सा बाउल पानी डालूंगी। अब इसे हम लो टू मीडियम पे गैस पे रख के 5 मिनट के लिए पकाएंगे और यहाँ पे हमें कवर कर दूंगी इसे। तो देखिए, हमारे यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। अगर आपको पतली चाहिए सब्जी तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इतना ही रखूँगी इसे, ज़्यादा पतली नहीं, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। अपने इसमें लास्ट में, तो यहाँ पे मैं पतंजलि का सब्जी मसाला लूँगी। ये देखिए, पतंजलि वाला। तो इसमें मैं 1/2 चम्मच डालूँगी इसमें। इससे सब्जी में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। मिक्स कर लेंगे।
और थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे इसमें। अब मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। तो देखिए सब्जी हमारी यहाँ बनके तैयार है और इसका स्वाद भी बहुत ही बढ़िया है, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है इसकी। तो चलिए हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे फूल गोभी और मटर की सब्जी बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, सभी को पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।